आज एक तस्वीर अयोध्या से भी आई जहां भक्तों का हुजूम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मुख्य मंदिर से लेकर रामपथ तक करीब 1 किलोमीटर भक्तों की कतार नजर आ रही है। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरएएफ और यूपी पुलिस के जवान मौजूद हैं, जो जत्थों में लोगों को दर्शन के लिए भेज रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार के दिन ज्यादा तादाद में वहां पर भक्त उमड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 22 जनवरी को जब से रामलला का प्राण प्रतिष्ठान हुआ तब से लेकर आज तक लगातार भारी तादाद में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं का सिलसिला लगातार आने का जारी है और इसी क्रम में आज अयोध्या के राम मंदिर में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। एक वक्त की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहां पर जो है इस वक्त श्रद्धालु नजर आ रहे हैं जो कि रोके गए हैं। माना जा रहा है कि आज जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि जिस तरीके से सुबह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता दिखता है उससे साफ तौर पर नजर आता है कि आज की स्थिति में बड़े दर्शन होने वाले हैं और कई लोग पहुंच रहे हैं। दर्शन हो गया? दर्शन करने जा रहे हैं जी। बहुत खूबसूरत नजारा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। इतनी आज भीड़ आ गई, आज इतनी ज्यादा भीड़ है, उम्मीद कर रहे थे कि आज बात भीड़ की नहीं है, बात है कि उत्साह बहुत है लोगों में, बहुत उत्साह है। आप कहाँ से आए? पंजाब से। पंजाब से दर्शन हुआ? अभी होने वाले हैं थोड़ी। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है। भीड़ ऐसा ही है, जिस चीज की चर्चा हो उसकी भीड़ जरूर होगी। आप भी यहीं से हैं? कहाँ से आप? हम गोरखपुर, जिला गोरखपुर के रहने वाले। गोरखपुर से है। दर्शन हो गया कि नहीं? हाँ, दर्शन हो गया। कितना इंतजार करना पड़ा लाइन में? तभी ठीक ठाक से, कंडीशन बढ़िया है। ज्यादा भीड़ है रोज की तो? हाँ, भीड़ तो है। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आज तांता लग रहा है और इसी के चलते उम्मीद की जा रही है कि आज का आंकड़ा बढ़ेगा, जहां पर प्रशासन को भी दिक्कतें आ रही है एक तरीके से मैनेज करने में, लेकिन उन सब के बीच में लगातार रामलला के दर्शन जारी है।